नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकन और वक्त है देश की सबसे बड़ी बहस का, यानी वक्त है अब आर पार का। ये शायद पहली बार है जब भारत के खिलाफ आग उगलने वाले पाकिस्तान के पालतू आतंकी खुलकर ये मान रहे हैं भारतीय सेना ने हमारी कमर तोड़ दी है। ये पहली बार ही है जब पाकिस्तान का आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन ये कह रहा है कि भारतीय सेना हम पर कहर बनकर टूट रही है। इसका पूरा सबूत हम आज आपको आर पार में दिखाने वाले हैं। इन सबका कबूलनामा, हम कुछ हवा में बात नहीं कर रहे, विजुअल बाइट है आर पार के पास, जिसमें पाकिस्तान का आतंकी सरगना कह रहा है कि हिंद का पल्ला भारी है, जिहादियों ने बाजी हारी है। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब भारत में आतंक फैलाने के लिए अब भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम लश्कर-ए-तैयबा के साथ हाथ मिला रहा है। उधर कश्मीर में आतंकी रियाज नायकू को रौंदने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन अपना नया कमांडर तैनात कर रहा है, जिसका नाम गाजी हैदर है। लेकिन भारतीय सेना का संदेश भी साफ है, ऐसे कितने गाजी आए और चले गए। लेकिन आज हमारे पास पाकिस्तान के मंत्री की हेट स्पीच है, जिसे मैं आर पार में लाइव दिखाऊंगा। इसलिए आज हमने पाकिस्तान से भी पैनलिस्ट को बुलाया है ताकि उन्हें आईना दिखाया जा सके। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, भारत और पाकिस्तान में, दिल्ली और इस्लामाबाद में। सीधा आर पार, हिंद का पल्ला भारी है, जिहादियों की ने बाजी हारी है, गाजी दाऊद अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि दाऊद ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ हाथ मिला लिया है। इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है।